नमस्कार, स्वागत है आपका विजयपथ एजुकेशन में। तो आज मैं हिंदी के आपके लिए जो जरूरी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं वो लेके आई हूँ, वर्तनी शुद्धि में से, शुद्ध और अशुद्ध में से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है शुद्ध वर्तनी बताएं, चार ऑप्शन दूंगी और उसके आगे उसका सही आंसर। लालसा ए ऑप्शन, शेणित बी ऑप्शन, सी ऑप्शन है शेणित और डी ऑप्शन है मत्स्य। यानी कि इन चारों में से जो सही है उसको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, लालसा। ठीक है, अगले पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन पर। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तनी को पहचानिए। शुद्ध वर्तनी पहचाननी है, चार ऑप्शन है। सबसे पहले है आविष्कार, दूसरा है अविष्कार, तीसरा है अविष्कार, चौथा है अविष्कार। यानी कि बोलने में सेम लग रहे हैं लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, ए ऑप्शन में है। इसमें व के साथ जो है वो बड़ी की मात्रा लगी है। बी ऑप्शन जो है उसमें आ लगा है, ब के साथ छोटे ई की मात्रा लगी है। सी ऑप्शन है उसमें अ है, ब के साथ जो है वो छोटे ई की मात्रा है। और डी ऑप्शन है इसमें अ है, व के साथ छोटी ई की मात्रा है, पूरा श है। ठीक है, तो इन चारों में से जो शुद्ध शब्द है वो कौन सा है? वो रहेगा आपका बी ऑप्शन, आविष्कार। आ वी स कार, है ना, वो के साथ छोटे की मात्रा, आदर्श और कार। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन वो ही है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तत्कालिक, दूसरा है तत्कालिक, तीसरा है तात्कालिक, चौथा है तत्कालिक। ठीक है, तो को थोड़ा सा आगे की तरफ हलंत टाइप में किया हुआ है। तो इन चारों में से जो सही ऑप्शन है वो है आपका ए ऑप्शन, तात्कालिक। ठीक है, इन चारों में से सही है तात्कालिक। ठीक है, यानी कि एकदम अचानक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। प्रस्तुतिकरण, यानी कि जो भी हम करते हैं प्रस्तुतिकरण, सेम है फिर से प्रस्तुतिकरण, यानी कि मात्राओं का थोड़ा सा फर्क है, इसमें छोटे ई की है उसमें बड़े ई की है, या प्रस्तुतिकरण। तो इन चारों में से यानी कि जो सही है वो ऑप्शन सी, प्रस्तुतिकरण। यानी कि किसी भी, जैसे आप कोई भी असाइनमेंट या कुछ भी तैयार करते हैं उसको पेश करने के लिए प्रस्तुतिकरण करना किसी भी चीज का। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव, सही वर्तने वाले शब्द का चयन कीजिए। सांसारिक, संसारिक, या संसारक, या सांसारिक। तो इसमें से डी ऑप्शन आपका सही है, सांसारिक। यानी कि जो संसार में जो कुछ भी है उसे हम क्या कहते हैं, संसारिक गतिविधियां। यानी कि जो भी हो रहा है उसको गतिविधि, और संसारिक मतलब संसार से रिलेटेड। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका जो है वो सही है, सांसारिक, ना कि सांसारिक होता है। इसमें आ की मात्रा नहीं लगी है, दोनों वैसे सेम ही हैं लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है, यहाँ पे आ की मात्रा नहीं लगी है स के साथ, सांसारिक है, सांसारिक। ठीक है, और ये जो है ये संसारिक नहीं है, सॉरी संसारिक है, संसारक है, और ये है सांसारिक, यानी कि आ की मात्रा लगेगी। तो इसमें से ही जो है वो आपका है डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है फिर से हमें। परिस्थित, प्रस्थित, या परिस्थिति, या पारिस्थिति, इन चारों में से आपको सही शब्द बताना है। तो वो है सी ऑप्शन, परिस्थिति। सी ऑप्शन, परिस्थिति, ना कि परिस्थित होता है, ना ही परिस्थिति होता है, ना ही पारिस्थिति होता है, परिस्थिति जो है वो सही शब्द माना गया है। नेक्स्ट,
सेम फिर से वही है कि सही बरतने वाले शब्द, क्योंकि हम बरतनी शुद्ध और अशुद्ध कर रहे हैं। तो सबसे पहले इनकी कालिदास कैसे लिखा जाता है वो इसमें बताया गया है। ए ऑप्शन है कालिदास, बी ऑप्शन है कालिदास, बी ऑप्शन है कालिदास बड़े ई की मात्रा है, डी ऑप्शन है कलिदास, सी ऑप्शन है कलिदास, डी ऑप्शन है कलिदास। ठीक है, यानी कि छोटी और बड़ी, तो इसमें जो सही है वो है ए ऑप्शन कालिदास, यानी कि लो को किसकी मात्रा लगेगी छोटे ए की, ठीक है, और क के साथ आ की मात्रा। अगले नेक्स्ट पे चलते हैं, इन चार शब्द आगे दे रही हूं उनमें से सही जो है वो बताऊंगी। चतुष्कोण या चतुष्कोण, षष्टकोण है और यहां पे षष्टलघन जो है वो आधा है, यह चतुष्कोण स से जो है वो आधा किया है, यह चतुष्कोण कोण था यहां पे कोण है, तो इन चारों में से सही जो है वो डी ऑप्शन है चतुष्कोण। ठीक है, अगला है हासिल कैसे लिखा जाता है, हासिल 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 या फिर हासिल, फर्क क्या है। ए ऑप्शन में आपका शलगम लगा है, हासिल कर दिया है, वी ऑप्शन में हासिल कर दिया है, षटकोण लगा दिया गया है, सी ऑप्शन में हासिल है यानी कि स सेव लगा दिया है, और डी ऑप्शन में स सेव तो है लेकिन उसके साथ बड़े ए की मात्रा लगा दी है। तो इन चारों में से जो सही है वो है हासिल, यानी कि प्राप्त कर लेना किसी भी वस्तु को, है ना। अगला डी है जवाब, कार्यक्रम, सही वाला शब्द बताना है आपको, दशहरा आराधना, है ना। तो जवाब हम ऐसे नहीं लिखते हैं, है ना, यानी कि वो आता है बीच में, कार्य क्रम बिल्कुल ऐसे नहीं लिखते हैं, र आता है, दशहरा स की जगह श आता है वो भी वर्तनी अशुद्धि है। तो इसमें से सही बताना है हमें, जो सही शब्द इसमें लिखा है तो सही शब्द है आराधना, ये बिल्कुल सही शब्द है तो वो बताना है। ये तीनों जो है वो अशुद्ध है, है ना, तो यानी कि जो शुद्ध शब्द है वो एक है, वो कौन सा है, आराधना। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसमें भी सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत बार ये वाला क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, उज्जल उज्जवल उजला या उज्जवल, है ना, इसमें केवल आधा एक जो है, ठीक है। तो इन चारों में से जो सही शब्द है वो है आपका बी ऑप्शन उज्जवल, दो आधे शब्दों का प्रयोग किया गया है, ज ज उज्जवल, ठीक है। और हिंदी का एकमात्र ऐसा शब्द है जिसमें दो आधे शब्दों का एक साथ प्रयोग किया जाता है, एक साथ, वैसे तो बहुत सारे शब्द होंगे लेकिन वो क्या होता है, जैसे मान लो ज लगेगा फिर वो लगेगा फिर से आधा ज लग सकता है, ऐसे हो सकते हैं, लेकिन एक साथ जिन शब्दों का प्रयोग किया है वो है उज्जवल, उजला, उजला ऐसे नहीं लिखते, उजला ऐसे लिखते हैं, उजला भी, है ना। अगला है 12th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है, इसमें भी शुद्ध वर्तनी वाला, प्रशंसा कैसे लिखा जाता है वो, प्रशंसा दो श श लगे हुए हैं, प्रशंसा यानी कि एक श है एक शा है, प्रशंसा या फिर प्रशंसा। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है वो है आपका सी ऑप्शन प्रशंसा, प्र है, प के पैरों में र लगा है, श के ऊपर बिंदी है और सा है, प्रशंसा, ठीक है। तो ये शुद्ध शब्द आपका माना जाएगा। 13th क्वेश्चन है, सही बरतने वाले शब्द का चयन कीजिए, यानी कि प्रश्न वही सेम रहेगा लेकिन ऑप्शन जो है वो अलग अलग है ना। तो नेक्स्ट है उन्मिलित, उन्मिलित या उन्मलित या उन्मिलित या उनी मलित, तो इसमें से जो सही है वो है आपका सी ऑप्शन उन्मिलित, उन्मिलित करना मिला लेना, है ना, उन्मिलित। तो ये जो है वो आपका सही ऑप्शन है सी, उन्मिलित कैसे लिखा जाता है वो आपको बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है 14th क्वेश्चन, फिर से
परिशिष्ट, परिशिष्ट कैसे लिखा जाता है? ऐसे, परिशिष्ट, 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 यानी कि परी ऊपर है, छोटे ई की मात्रा है, सी ऑप्शन में परी यानी कि बड़े ई की मात्रा है ना, लंबी साउंड जाएगी जब बड़े, जो भी बड़ी मात्राओं वाले शब्द होते हैं चाहे वो ई की हो चाहे वो ऊ की हो, हम थोड़ा सा लंबा उन शब्दों को खींचते हैं, यह परिशिष्ट। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है ए, परिशिष्ट। ठीक है, अब चलते हैं 15 क्वेश्चन की ओर। सही शब्द का प्राभिधिक, प्राभिधिक या प्राभिधिकी, प्रविधिकी या प्रविधिकी, इनमें से सही ऑप्शन है आपका बी, प्राभिधिकी, प्राभिधिकी। ठीक है, प्रा है व को छोटे की, प्राभि छोटी साउंड, ध को फिर से छोटे की मात्रा धि, और क को बड़ी की मात्रा तो की, प्राभिधिकी। ठीक है, तो वी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट पे चलते हैं, प्रमुख कैसे लिखा जाता है? प्रमुख या प्रमुख्य, म ऊपर र लगा, री की मात्रा ऊपर है, ये र नहीं होता है, ये री की मात्रा होती है जो हम ऊपर ऐड करते हैं, या प्रमुखिया या प्रमुख्य। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है आपका ए, प्रमुख। कैसे लिखा जाता है? प के पैरों में हलन टाइम में यानी कि र लगना है और मुख, प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषांगी, कैसे लिखा जाता है? कृषांगी या कृषांगी, सी ऑप्शन है किरसंगी या डी ऑप्शन है कृषांगी। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है ए, कृषांगी। ए है कौन सा है? कृषांगी। नेक्स्ट पे चलते हैं, दीक्षा कैसे लिखा जाता है? दीक्षा या दीक्षा, आधा क डाला है, या फिर दीक्षा या फिर दीक्षा। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो है आपका डी, दीक्षा। ना तो दीक्षा होता है, ना ही दीक्षा होता है, और ना ही यानी कि आधा को ऐड किया गया है, वो वाला डी ऑप्शन सही है, दीक्षा। नाम भी हो सकता है या फिर किसी को जो हम दीक्षा देते हैं यानी कि विद्या देते हैं, वो इसका अर्थ हो सकता है। अगला है सही बर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, प्रश्न वो ही रहेगा। तो ए ऑप्शन है लक्ष्मण, यानी कि लक्ष्मण कैसे लिखा जाता है? लक्ष्मण। सी ऑप्शन है लक्ष्मण, इसमें आधा चो था, उसमें चो नहीं है, उसमें सीधा लक्ष्मण कर दिया, और इसमें लक्ष्मण है ना, लक्ष्मण। और डी ऑप्शन है आपका लक्ष्मण। तो इसमें से जो सही है वो है आपका ए ऑप्शन लक्ष्मण, यानी कि ल आदक्ष मण लक्ष्मण। ठीक है, नाम है राम का जो भाई थे उनका नाम था लक्ष्मण। ठीक है, आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें है या यथाशक्ति, या यथाशक्ति यानी कि शो है, उसको हम यथा में ही कन्वर्ट करते हैं, यथाशक्ति या यथाशक्ति। इसमें जो श है वो सलगम वाला नहीं बल्कि सेव वाला यूज किया गया है, याश था कति कर दिया है, यथाशक्ति यथाशक्ति या फिर यथा यशाशक्ति। तो इन चारों में से जो सही ऑप्शन है वो कौन सा होगा? तो इनमें से आपका जो यथाशक्ति कैसे लिखा जाता है वो है सी ऑप्शन। ठीक है, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। अगला है 21, सही बर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो सबसे पहले नक्षत्र या न आदच छत्र, नक्षत्र या नक्षत्र या नक्षत्र। तो इनमें से जो सही है वो है डी ऑप्शन नक्षत्र। ठीक है, अगला है प्रज्वलित करना, जलाना कैसे लिखा जाता है? प्रज्वलित, दो आधे जो आए हैं, या प्रज्वलित, या प्रज्वलित,
यानी कि इसमें दो जो थे उसमें केवल मात्र एक जो होगा ये प्रज्वलित करना। तो इसमें से जो सही है वो है आपका डी ऑप्शन, प्रज्वलित करना, जलाना। ठीक है, प्र आधा ज व ल को छोटे ई की मात्रा ली और त, प्रज्वलित करना। अब अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द निम्न में से कौन सा है? अशुद्ध वर्तनी वाला है ना, अब शुद्ध नहीं है, अब है अशुद्ध वर्तनी वाला। पुरस्कार, आशीर्वाद, मयंक या प्रमाणिक। तो इसमें से अशुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वो कौन सा है? आशीर्वाद, यानी कि आशीर्वाद। कैसे लिखा जाता है आशीर्वाद, मैं आपको बताती हूं। शुद्ध कैसे लिखा जाएगा? आशीर्वाद, है ना, ऐसे लिखा जाएगा। ये बिल्कुल क्या है आपका? अशुद्ध शब्द है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? प्रश्नों पे भी ध्यान देना है, कई बार अशुद्ध पूछ लेते हैं, कई बार शुद्ध पूछ लेते हैं ना। वर्तनी शुद्धि और अशुद्धि दोनों चलते हैं इसमें। आतिशबाजी, शुद्ध शब्द बताना है अब। ठीक है, आतिशबाजी, ऐतिहासिक या अत्याक्षरी या उतराई, ये सारे जो हैं वो आपके कौन से हैं? अशुद्ध। आतिशबाजी ऐसे नहीं लिखा जाता, अत्याक्षरी यानी कि अंताक्षरी के बारे में बात की गई है, या उतराई ऐसे नहीं लिखा जाता। तो इनमें से शुद्ध शब्द कौन है? ऐतिहासिक जो है वो आपका कौन सा शब्द है? शुद्ध शब्द है। ठीक है, आतिशबाजी अत्याक्षरी यानी कि अंताक्षरी, उतराई यानी कि उत्तरदायी लिख दिया है इन्होंने। ठीक है, ये सारे जो हैं वो आपके कौन से शब्द हैं? अशुद्ध शब्द हैं। तो शुद्ध बताना है तो वो था ऐतिहासिक। अगला है सही वर्तनी वाले यानी कि शुद्ध शब्द का चयन करना है इसमें भी। उत्कृष्ट कैसे लिखा जाता है ना, उत्कृष्ट होता है या पूरा त आएगा उत्कृष्ट में, या फिर उत्कृष्ट ठ है ना, पीछे ठ है, उत्कृष्ट या उत्कृष्ट। तो इसमें से जो सही शब्द है वो कौन सा है? उत्कृष्ट। ना तो ऐसे लिखा जाता है, पूरा त नहीं होता, पीछे ठ नहीं होता, यहां पे भी ना पूरा त होगा ना ठ होगा। तो सही शब्द है आपका ए ऑप्शन। ठीक है, तो सही कौन सा हुआ आपका? ए। तो इसी के साथ ये जो वर्तनी यानी कि शुद्ध और अशुद्ध थे, तो कुछ यानी कि क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आई थी। तो आशा करती हूँ आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता लगा होगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।